वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स। ओके, चलिए फिर आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ बर्ड फ्लू के बारे में है। ठीक, बर्ड फ्लू के केसेस अभी रिसेंटली इंडिया में पाए गए हैं। एंड ये जो बर्ड फ्लू है स्पेशली पक्षियों में पाया जाता है, जैसे कि वाइल्ड गीज के केसेस आए हिमाचल प्रदेश में पाए गए हैं, क्रोज इन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश, एंड डक्स इन केरला। ओके, हरियाणा में अराउंड 1 लाख पोल्ट्री बर्ड्स जो है उनकी डेथ हुई है रिसेंटली। ये जो बर्ड फ्लू है उसके ये वायरस से होता है, इन्फ्लुएंजा टाइप ए नाम का वायरस है। इनमें कुछ सब टाइप्स है जैसे कि H5N1, H1N1। ओके, तो इसके सब टाइप्स हैं। यहाँ पर 9 नॉन सब टाइप्स ऑफ H5 वायरस, H5N1 है, H5N2, H5N3 ऐसे के उसके सब टाइप्स है। बर्ड फ्लू को लेकर कई सारे न्यूज़ आ रही है। ओके, यहाँ पर देखिएगा कि अगर आपने मेरा पिछली वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने ये न्यूज़ कवर करी थी कि हिमाचल प्रदेश का एक पोंग डैम नाम का एक सेंचुरी है। ओके, इनमें अराउंड 2400 के पक्षियों की डेथ हुई है। उसके पीछे की रीज़न जो थी अभी तक इन्वायरमेंटलिस्ट को पता नहीं थी, मगर ये कंफर्म हुआ है कि एवियन फ्लू की वजह से उन माइग्रेटरी बर्ड्स की डेथ हुई है। ओके, ये आज की इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ है। सेकंड, यहाँ पर एमपी ने, मध्य प्रदेश ने क्या किया है कि जो साउथ इंडिया से जो पोल्ट्री आ रही है तो उनके उनके ऊपर उन्होंने रोक लगा दी है इस बर्ड फ्लू को रोकने के लिए। ओके, बर्ड फ्लू के कुछ सिम्टम्स हैं एंड उसके ऊपर ट्रीटमेंट हम देखेंगे क्या क्या रहता है। ओके, सिम्टम्स में जनरली ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्स ऑफ ह्यूमन को अटैक करता है। ये जो इन्फ्लुएंजा टाइप ए नाम का वायरस है तो ये रिस्पिरेटरी ट्रैक्स को अटैक करता है, एंड रिस्पिरेटरी इलनेसेस सच एज न्यूमोनिया और एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स हो सकते हैं। बाकी जो सिम्टम्स है जनरली फीवर, कफ, सोर थ्रोट, एब्डोमिनल पेन या डायरिया में भी हो सकता है। उसके ऊपर एक स्पेसिफिकली एक ट्रीटमेंट है, उसको हम एंटीवायरल ड्रग्स बोलते हैं। ओके, ये जो ड्रग्स है ओल्सेटामिविर, ओके, ये नाम का ड्रग, उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। एंड वर्ल्ड लेवल का जो WHO है, WHO ने एक वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी एडवाइस किया है हर एक कंट्री को, तो उसी को फॉलो किया जाता है। ओके, तो फिर रिसेंटली 2008 के अराउंड इसका आउटब्रेक हुआ था, उसके बाद 2015 में 17 में भी हुआ था, अभी ये न्यूज़ में आया। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ एशियन वाटर बर्ड सेंसस की है। अभी ये 2D एशियन वाटर सेंसस जो 2020 का है वो आंध्रा में हुआ है। ओके, एशियन वाटर बर्ड सेंसस एक एनुअल इवेंट है, थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स अक्रॉस द एशिया उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, ये वेटलैंड इंटरनेशनल ने वाटर बर्ड्स की एक डेफिनेशन दी है। ऐसे बर्ड्स की स्पेसीज है जो इकोलॉजिकली वेटलैंड पे डिपेंड रहते हैं, तो उनको हम वाटर बर्ड्स कहते हैं। ओके, तो वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए हमारे पास रामसर नाम की ट्रीटी है जो 1971 में साइन हुई थी। इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द रामसर ट्रीटी, एंड इंडिया की टोटल 42 साइट्स जो अभी रामसर के लिस्ट में है। ओके, वो एंड स्पेसिफिकली एक वेटलैंड प्रोटेक्शन के लिए ये ट्रीटी काम करती है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ टॉय कैथॉन 2021 के बारे में है। ओके, टॉय कैथॉन 2021 क्या है? एक स्पेशल काइंड ऑफ हैकाथॉन है जिनमें स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्कूल एंड कॉलेजेस से डिज़ाइन एक्सपर्ट्स हो या टॉय एक्सपर्ट एंड स्टार्टअप्स, ये साथ में आएंगे एंड ये आइडियाज़ डेवलप करेंगे जिनसे टॉयज एंड गेम्स बना सके। एंड उसका जो बेस रहेगा वो इंडियन कल्चर, हिस्ट्री, इथोस, लोकल फोकलोर एंड हीरोज होंगे। ओके, इनके आइडियाज़ के ऊपर वो टॉयज एंड गेम्स बना दिए जाएंगे, क्योंकि उसके पीछे की रीज़न ये है कि अराउंड 70-80% ऑफ जो टॉयज एंड गेम्स का जो मार्केट है वो मेट होता है इम्पोर्ट से, एंड लगभग 75-85% जो उनमें इम्पोर्ट में कंट्रीब्यूशन जो है वो चाइना का है, तो टोटली हम चाइना पे डिपेंड है टॉयज एंड गेम्स के लिए। ओके, टॉय कैथॉन 2021 ये जो हैकेथॉन है ये जॉइंटली कंडक्ट किया जा रहा है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, MSME, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ये साथ ही साथ एक पोर्टल भी लॉन्च कर रहे हैं जिनमें इनका पूरा डाटा रहेगा एंड वो कोऑर्डिनेट किया जाएगा ऑल इंडिया लेवल पे। ओके, नेक्स्ट न्यूज, ये पार्टिसिपेटिंग मिनिस्ट्री है जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, MSME, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। ओके, नेक्स्ट न्यूज ट्राई फूड पार्क के बारे में है। ट्राई फूड पार्क क्या है? एक MP में सेटअप किया जाएगा एंड एक जॉइंट इनिशिएटिव है ट्राई फेड एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के।
ट्राइफेड एक स्टैचुटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ओके एंड ट्राई फूड पार्क्स क्या करेंगे, एक फूड प्रोसेसिंग सेंटर है जिनमें वैल्यू एडिशन किया जाएगा किस किसके ऊपर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर। ओके जो आदिवासी लोग हैं उनको जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस मिल रहा है तो उनमें वैल्यू एडिशन कर उनकी जो वैल्यू है तो उसको प्रमोट किया जाएगा नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे। ओके ये जो ट्राई फूड पार्क्स हैं ये लॉन्च किया गया है अंडर द वंदन योजना इन 2020। ओके आज के कुछ करंट अफेयर्स अब हम एमसीक्यू के देखेंगे। ओके यहाँ पर पूछा गया है कि कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर पोर्ट दिए गए एंड ये राइट हैंड साइड में एसोसिएटेड कंट्रीज। ओके ये पोर्ट का नाम है हम्बन तोता, हमें क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबो इज आर करेक्टली मैच। ओके पोर्ट्स एंड उसका लोकेशन हमें करेक्टली मैच करना है, हम्बन तोता बांग्लादेश, जास्क जिबूती एंड ग्वादर पाकिस्तान। ओके तो इनमें से ए बी सी डी हमें राइट बताना है। एक्चुअली हम्बन तोता ये बांग्लादेश में नहीं है, ये श्रीलंका में है एंड जास्क जिबूती में नहीं है तो ये ईरान में है। ओके तो ऑप्शन वन एंड इलिमिनेट अगर हम करेंगे तो डायरेक्टली ऑप्शन बन जाता है थ्री, तो ये आंसर इज राइट क्योंकि इनमें ग्वादर ये पाकिस्तान में है। ओके ये देखिएगा कि ये न्यूज़ में आया था क्योंकि जो ग्वादर है पाकिस्तान में, जास्क ईरान में एंड जिबूती ओके एंड हम्बन तोता श्रीलंका में है एंड ये सभी के सभी जो पोर्ट्स हैं चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का भी पार्ट बन गए हैं। ओके एंड इनमें देखना आप मैप में सभी जो लोकेशन है मैंने यहाँ पर दिखाया है ये है ग्वादर, चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है इनका एक कमर्शियल विंग इधर से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इधर से पास होता है एंड इट इज़ ऑल्सो पास इन पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, इस यहाँ से पास होता है इसलिए इंडिया का कंसर्न सीपेक से है। ओके एंड सेकंड लोकेशन ये जिबूती है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में फोर कंट्रीज आता है जनरली, इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया। ओके एंड ये है जिबूती का लोकेशन एंड जास्क नाम की जगह है एंड ये पोर्ट है ईरान में लोकेटेड है। ओके एंड हम्बन तोता इंडिया के एग्जैक्टली नीचे जो श्रीलंका है श्रीलंका के मिडल पॉइंट पे हम्बन तोता नाम का एक पोर्ट है, चाइना ने उसको 99 ईयर्स के लिए लीज पे लिया है। तो ये जो लोकेशन है इंडियन ओशन में एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन इंडिया की डेवलपमेंट को अपोज करने के लिए, तो चाइना उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत उसको टैकल करने की कोशिश कर रहा है। मैप में हमें रेड सी एंड गल्फ ऑफ अडन में जो रूट है ये डायरेक्टली मेडिटेरेनियन सी को एक्सेस दिलाता है। ओके इनमें से हम मेडिटेरेनियन सी एंड यूरोपियन कंट्रीज एंड सेंट्रल एशिया को भी एक्सेस कर सकते हैं। इनमें ये जिबूती नाम का कंट्री है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब अफ्रीका के एकदम ये जो चार कंट्री है तो ओके तो इनमें चाइना का एक नेवल बेस है, इन एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जिनके सिक्योरिटी के परस्पेक्टिव में इधर ये सुपरविजन कर सकते हैं इस एरिया में जो ट्रेडिंग या शिपिंग हो रही है, तो इंडिया के लिए ये कंसर्न्स है। ओके एंड नेक्स्ट एमसीक्यू ये बर्ड फ्लू के बारे में, H5N8 विच हैज़ पुट सम स्टेट ऑन हाई अलर्ट इज एसोसिएटेड विद, किसके बारे में, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, ब्लैक फूड डिसीज, एशियन फ्लू। ओके तो H5N8 क्या है, एक सब टाइप है एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ए टाइप का, तो ये बर्ड फ्लू है। ओके एक्सप्लेनेशन हम देते हैं, सोल्यूशन बी इज द राइट, इन 2020 एन आउटब्रेक ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा सब टाइप H5N8 ऑकर्ड इन एट पोल्ट्री फार्म्स एंड अमॉन्ग वर्ल्ड बर्ड पॉपुलेशन इन सेवरल कंट्रीज एंड कंटिनेंट लीडिंग टू द सब्सिक्वेंट कलिंग ऑफ मिलियन ऑफ बर्ड्स टू प्रिवेंट अ पैंडेमिक सिमिलर टू दैट ऑफ H5N8। ये H5N1 ये 2008 में उसका आउटब्रेक हुआ था। ओके तो फ्रेंड्स आज के लिए इतनी क्वेश्चन है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।